नो केरली एक दो तीन चार पांच, दोनों हाथ वापस आए, पैर को नीचे लाए, सामान्य स्थिति, दूसरे पैर से दोहराएंगे, बाएं पैर पे बैलेंस रखें, दाएं पैर को उठा करके जगह पे रखेंगे। बहुत खूबसूरती के साथ अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर नमस्कार की स्थिति में ईश्वर का ध्यान करें। एक दो तीन चार पाँच, धीरे से वापस आए, थोड़ा सा एडवांस आसन करेंगे, हाथ हस्तासन, आगे झुकने का आसन है। जी भाई बहनों को कमर की बहुत ज़्यादा दर्द की परेशानी है तो उसको रोकें। श्वास भरते हुए ऊपर दोनों हाथ ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। जो पैर को बांध सकते हैं वो बांध के रखें, थोड़ा रोक के रखेंगे। एक दो तीन चार पाँच, पुनः वापस श्वास भरते हुए वापस आ जाए। एक बार फिर से दोहराएंगे, दोनों हाथ सामान्य नीचे ले आए, सामने से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर थोड़ा पीछे झुके और श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाए। पार हस्तासन सामने मंच पर योगियों को देख सकते हैं, बांध के रखेंगे आसन। एक दो तीन चार पाँच, वापिस धीरे से वापस आ जाए। अब पीछे झुकने का अभ्यास करेंगे, अर्ध चंद्रासन। मैं दोबारा लंबी से याद रखूँ आप साइड में रखेंगे, आगे से दोनों हाथ को और भी रखेंगे और मुझे पेड़ के फिर से ओ
अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सुगमता से मोड़ते हुए मैं फिर से सूचना देना चाहूँगी, साथ साथ जिनको घुटने की परेशानी है और आर्थराइटिस है वो इसका अभ्यास ना करें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें। एक बार अपने नाभिक नाभि चक्र पर ध्यान करेंगे, हमारा पाचन तंत्र हमेशा स्वस्थ रहे। भगवान धन्वंतरी का स्मरण करें, आंखें बंद, भगवान धन्वंतरी का स्मरण करें। पाचन शक्ति जठराग्नि को प्रदीप्त करें, थोड़ी देर रोक के रखें, नाभि चक्र के ऊपर इसका ध्यान बनाए रखें, ध्यान बनाए रखें, ध्यान बनाए रखें। आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी को स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, आरोग्यवान हो, दीर्घायु हो। अब हम उस स्वास्थ्य की ओर चलेंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों बालों की सामने श्वास भरते हुए हाथों को पीछे लेके जाएं। आप पूरा नहीं कर सकते तो कमर बांध करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, और चाहे तो पूरा भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। गर्दन को पीछे, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसको पूरा स्ट्रेच करें पीछे की ओर, एक दो तीन चार पाँच, शशांक आसन में आएंगे, एक ही बार इसका अभ्यास करेंगे, चूंकि गर्मी जा रहा है, योगियों के लिए कोई भी परिस्थिति उसकी नहीं है। शशांक आसन आगे की ओर पूरे शरीर को फैला देंगे, माथा टिका सकते हैं जिनको सर्वाइकल है, और घुटने टिका सकते हैं, शांति बनाए रखें, अभ्यास में मन लगाए रखें। एक दो तीन चार पाँच, पुनः वापस आ जाए, दोनों घुटनों को खो लीजिए, उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे, फैलाइए दोनों घुटनों को, श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे लेकर के जाएंगे, बहुत खूबसूरती के साथ आसन का अभ्यास करें। आपको आपकी स्मृतियाँ कार्यक्रम के बाद मिल जाएंगी। एक दो तीन ऐसे आसनों का अभ्यास कर रहे हैं जो हमारे मधुमेह को, डायबिटीज को, शुगर को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। पहला आसन वक्रासन, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, बाएं पैर के घुटने के पास रखेंगे, बायां हाथ मोड़ करके विपरीत दिशा में और एक हाथ पीछे की ओर, वक्रासन, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ेंगे, बहुत सुंदर, गर्दन को पूरा पीछे मोड़ेंगे, रोक के रखेंगे, एक दो तीन चार पाँच, वापस धीरे से वापस आ जाइए, पांव सीधा कीजिए। अब दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे अभ्यास, एक पैर मोड़ लीजिए, विपरीत हाथ को ट्विस्ट करते हुए घुटने के ऊपर से बांधे, गर्दन को पीछे मोड़ दीजिए, बैलेंस बना के, एक दो तीन चार पाँच, वापस आ जाए। अब जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर आप पेट के बल लेट जाए, वक्रासन का अभ्यास करेंगे, आराम से स्थिति बनाते हुए लेट जाएंगे, बहुत सुंदर। आवाज नहीं करेंगे, मुझे आशा नहीं है, पूरा विश्वास है हम सब योग साधक साधिकाएं हैं, अभ्यासी हैं, अनुशासन का पालन हमारी पहली विशेषता है, इसलिए शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, आगे मोड़ का पालन करें, कुछ वॉलेंटियर के बीच में जाए, कृपया शांति का पालन करें। लंबा गहरा श्वास भरें, बकार चरण का अभ्यास करेंगे, भरें श्वास,
स्वांग भरते हुए कमाया उठाएंगे गर्दन के साथ कमर के खिंचाव को महसूस करते हुए गर्दन कंधे छाती नाभि क्षेत्र तक पूरा आसन उठा दीजिए। नजरे आपके आईब्रो सेंटर के बीच में, एक दो तीन चार पाँच वापस उस पर ध्यान नहीं देना है।
देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।